हाँ डिमांड लेके जाएंगे सेंटर के पास, तो फिर अगर वो फिर ठीक है वो मैं समझ गया। मेरे को ये बस ये बता दो कि रेजोल्यूशन क्या होता है। देखो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, मोशन और रेजोल्यूशन पे, 2017 में शायद से, 18 की 17 में। किसी डिस्प्यूट पे सजेस्ट करना, यू कैन से दैट। बेसिकली देखो रेजोल्यूशन और मोशन क्या है, एक तरह का कोई एक डिसीजन, एक तरह का कोई एक क्या इन शॉर्ट व्यू पॉइंट। ओके अब व्यू पॉइंट मेरा है, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 370 वापस, ठीक है। अब ये मेरा क्या है व्यू पॉइंट, मुझे लगता है कि मेरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सब का यही व्यू पॉइंट है। लेकिन मैं ये अगर रिटर्न में देना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। अगर मैंने वो रेजोल्यूशन लाया तो वो पूरे के पूरे पंजाब का, बेसिकली असेंबली में कौन बैठे होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने वोट डाला है, तो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्होंने सबने क्या बोला कि हमारा ये व्यू पॉइंट है कि चंडीगढ़ शुड बी द पार्ट ऑफ पंजाब। और उन्होंने वो क्या कर दिया, एक तरह के एक अपना एक दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं हम, कि कट्टरवाद जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि हाँ हमने ये रेजोल्यूशन ले लिया है हमें यही चाहिए। जैसे हम लोग 31 दिसंबर को बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज से सब बंद, और 3 तारीख को अब नया साल आ चुका है वो गया, बात गई रात गई सब खत्म, तो हम नहीं छोड़ेंगे अगले साल देखेंगे। मोशन इज अ डिसीजन ऑफ द हाउस, मोशन इज बेसिकली डिसीजन ऑफ द हाउस। लिसन एक एग्जांपल देता हूं मोशन के बारे में। अभी क्या हुआ था, राज्यसभा में कुछ एमपीज ने प्रोटेस्ट किया स्पीकर के आगे आके, ओ सॉरी चेयरमैन के आगे आके, ठीक है, उसके आगे प्रोटेस्ट किया, उसका माइक वाइक तोड़ दिया। वो सुना था ना आपने फॉर्म लॉज के टाइम पे जो ड्रामा हुआ था, तो उन्होंने माइक वाइक तोड़ दिया और बुक्स बुक्स फाड़ दी। अब वो क्या था, एक तरह का प्रोटेस्ट, लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है, इन्होंने वो तरीके को वो किया। अब ये रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है। अब गलत किया है तो चेयरमैन के पास पावर है कि अगर कोई एमपी गलत कर रहा है तो उसको वो क्या कर सकता है, सस्पेंड। पावर किसके पास है, बट चेयरमैन खुद से उसको सस्पेंड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास हाउस जाकर बोले कि सर इन्होंने गलत किया है आप इनको सस्पेंड करिए। पॉइंट समझ आया, पॉइंट समझ आ रहा है, मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है। अब वो पावर किसके पास है मोशन लाने की, बहुत ही अननोन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसने क्या किया, इसने एक मोशन फ्रेम किया, ड्राफ्ट लाया उसका, उसमें बोला कि इन्होंने भाई साहब ये रूल उल्लंघन किया है, इस रूल का उल्लंघन किया है इन्होंने, ऐसे कैसे किया, तो मैं चाहता हूं कि पूरा सदन पूरा हाउस बैठ के इनके इस मोशन पे क्या करे, अपना सिग्नेचर मारे। अब वो मोशन गया किसके पास, चेयरमैन के पास। उस चेयरमैन ने बोला कि हाँ जी ये मोशन आया है, मैं इस पे क्या करवाने जा रहा हूँ, वोटिंग, ठीक है। तो वोटिंग का तो आपको पता ही है कि मेजॉरिटी में अगर यस आएगा तो वो मोशन पास हो जाएगा। जब वो मोशन पास होके फिर से चेयरमैन के पास जाएगा फिर वो उनको क्या कर देगा, तो इट इज बेसिकली अ डिसीजन ऑफ द हाउस कि हम ये चाहते हैं, हमें ऐसा करना है। क्लियर, ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। कहाँ थे हम उस दिन, टेररिज्म, हाँ वो तो ठीक है, कहाँ पहुंचे थे, जमात उद दावा टेररिस्ट ग्रुप लिखा था,
इस्लामिक कैलिफेट लिख लिया था हमने। ओके कैलिफेट तो आपको पता ही है, व्हाट इज़ कैलिफेट, क्या खलीफा, ऊपर जो हेड होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं कि रिलीजियस होते हैं, आर यू श्योर, पक्का ईरान, ईरान में सुप्रीम लीडर कौन है, खोमेनी, ऐसा नहीं बोलते अयोतेल्ला खोमेनी, अरे तुम शिया हो या क्या हो, तुम्हें फिर भी नहीं बोलने यार, बोल रहे हो क्या करते हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। बेसिकली कैलिफेट जो था आपको पता ही है, ऑटोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा आपने, क्या था ऑटोमन एम्पायर, टर्की, I am asking about Ottoman Empire. You are just टर्की का नाम था Ottoman Empire. Basically हम Empire किसको बोलते हैं, साम्राज्य, तो British Empire किसको बोलते हैं, इंडिया को, जोर से बोल, अरे ऑटोमन एम्पायर बेसिकली उस टाइम पे ये सब कंट्रीज बीच में इंक्लूडेड थी, ओके, तो उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन बेसिकली हुआ क्यों था, अच्छा वो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बात कर रहे हो आप, है ना, हंगरी का जो मारा था, है ना, उसी की बात कर रहे हो, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड उसकी वाइफ को मार दिया था, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ी है आपने, जिसमें वो बैठा हुआ था, उसमें वो एग्जैक्ट डेट लिखी थी जिसमें वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई थी, नेक्स्ट लिखो, लश्कर ए तैयबा, कभी वेले टाइम बैठेंगे फिर बात करेंगे, लश्कर ए तैयबा, LET, नहीं यार, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो हम जिस पे काम कर रहे थे 2016 में हमने बोला था कि एक ऐसी अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि स्किन के अंदर एक चिप इम्प्लांट की जाएगी, वो हो गया ना, तो कहने की बातें हैं यार, क्या कह सकते हैं, हमें कोई पंगा नहीं लेना है, हम अपने काम से काम रखेंगे। सो लश्कर ए तैयबा, ठीक है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, टू डीस्टेबलाइज इंडियन, टू डीस्टेबलाइज इंडिया through local organizations in India itself, through local organizations in India itself, like Indian Mujahideen, IM, Indian Mujahideen, IM and SIMI, Indian Mujahideen and SIMI, SIMI, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको इन्होंने खड़ा किया और इनको टारगेट दिया कि भैया आप डीस्टेबलाइज करो इंडिया को, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आईएम ने क्या किया, आईएम ने आपको पता है बाटला हाउस एनकाउंटर एंड वो सब मूवी भी आई है इस पर, देखी आपने वो मूवी, देखो उसको, बहुत अच्छी मूवी है वो, ठीक है, बाटला हाउस और सिमी वालों ने क्या किया,
गुजरात में जो ब्लास्ट किए थे, अहमदाबाद ब्लास्ट, ठीक है, उसमें अभी अभी काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। सो इनका मेन आर्म्स, मनी और ट्रेनिंग इनको कौन देता था? लश्करे तैयबा, ठीक है। और टारगेट क्या था इनका? टू डीस्टेबलाइज इंडिया, कि इंडिया को हिलाओ अंदर से, ठीक है, हम बाहर से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप अंदर से कुछ करो, क्लियर। लिखा आर्म्स ट्रेनिंग एंड मनी वॉज प्रोवाइडेड बाय LET टू क्रिएट टेररिज्म इन इंडिया, टू क्रिएट टेररिज्म इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ स्लीपर सेल्स, विद द हेल्प ऑफ स्लीपर सेल्स। वो है ना मूवी हॉलीडे अक्षय कुमार की, उसमें बोलता है वो स्लीपर सेल्स क्या है, स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? स्लीपर सेल बेसिकली क्या होगा कि जैसे मैं हूँ, मान लो, ठीक है, मैं क्या हूँ लेकिन किसी को पता नहीं है कि मैं हूँ, मतलब कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ, हमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ से गया अपने कमरे में घुसा वहाँ करना, ठीक है, स्लीपर मतलब कि सोया हुआ है बंदा, काम कर रहा है, ठीक है, ही इज एक्टिवेटेड, लेकिन वहाँ तक पहुँचना किसी भी, अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मेरे को, जो मेरे वर्कर्स हैं वो मुझे नहीं जानते कि मैं हूँ कौन, वो बस मेरी कमांड फॉलो कर रहे हैं, अगर कल को मेरे वर्कर्स पकड़े भी जाएंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि मैं हूँ कौन, मैं कमांड देता था उनको ये नहीं पता कहाँ बैठ के देता था, ये सब इनको बोलते थे स्लीपर सेल्स, ये छोटे 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 हर जगह पे ऑर्गेनाइज करके बैठे हुए थे, क्लियर। ये था इंडियन मुजाहिदीन का प्रोटोकॉल, मतलब ये उनका एक क्या बोलते हैं उसको, मोडस अप्रेंडी था वो लोग थ्रू स्लीपर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिमी, हाँ जी, पाकिस्तान बेस्ड क्या, नहीं 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 इंडिया से ऑपरेट करता, यस, लश्कर तैयबा पाकिस्तान का है, यस एग्जैक्टली, ये IM और SIMI जो है ये इंडिया के हैं, ठीक है, काम उसके कहने पे करते हैं लोग, समझे। भटकल ब्रदर्स का नाम सुना होगा आपने, भटकल ब्रदर्स, कोई बात नहीं। SIMI लिखो, SIMI का मेन टारगेट कब स्टार्ट होता है? जब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके बांग्लादेश क्रिएट कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान को आया गुस्सा और इन्होंने बोला कि हम अब आपके खिलाफ एक अंदरूनी अंतर्युद्ध, ठीक है, इंटरनल रिबेलियन छेड़ेंगे। उसमें इन्होंने क्या किया, SIMI के ग्रुप्स को कहाँ पे बिठाया, UP में, और वहाँ से इनको बोला कि भैया आपको क्या करना है, बस समझ गए, आपको क्या करना है, जिहाद, ठीक है। लिखो, इट्स बेसिकली आइडियोलॉजिकली प्रमोटेड, आइडियोलॉजिकली प्रमोटेड विच इज जिहाद, ब्रैकेट में लिखना होली वॉर, जिहाद ब्रैकेट में लिखना होली वॉर, ठीक है, एंड amalgamated of anti hindu groups and basically amalgamation samajhte ho, khichdi, theek hai, amalgamation of anti hindu groups, clear, hindu theek hai। तो ये था इनका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का मॉडल, जैसे ये हमारे खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हम विक्टिमाइज हैं, हम पीड़ित हैं, बट रिसेंटली अभी देखने को मिलता है कि यूरोप सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज है, किससे, टेररिज्म से। यूरोप और इंडिया में वो अलग अलग हैं। यूरोप में मोस्टली कैसे अटैक्स होते हैं, लोन वोल्फ अटैक, आया खंजर निकाला या बॉम्ब निकाला, उड़ा के भाग गया,
इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है, आएंगे बड़े प्लानिंग के साथ, दहशत अच्छी खासी मचाकर फिर जाएंगे, ऐसे नहीं कि आया धमाका किया चलता बना। सबसे पहला एक लोन वोल्फ का अटैक जिसको हम माने जाएंगे तो वो पुलवामा अटैक था, अकेला बंदा इतना बड़ा धमाका करके चला गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो एक यार शाम को हद करते हैं, ठीक है। इंडिया में एक और चीज देखने को मिलती है, इंडिया में अर्बन टेररिज्म देखने को मिलता है। व्हाट इज दैट अर्बन टेररिज्म? इंडिया में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप एनालाइज करोगे, तो इंडिया में अभी तक जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं वो मोस्टली उन सिटीज में हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी को छुपाना आसान है, मूवमेंट करना आसान है, तुम कहीं भी घुस जाओगे पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मुंबई में 90s में जो ब्लास्ट किए गए थे आफ्टर बाबरी, फिर अहमदाबाद, फिर दिल्ली, ठीक है, इन सब सिटीज़ में ब्लास्ट होते हैं। बट अगर आप बोलोगे कि कठुआ में ब्लास्ट हो जाएगा, मुश्किल है, ठीक है, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, जनता कम है, ठीक है। लिखो, इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ अर्बन टेररिज्म। India is a victim of urban terrorism. Because of high population, comma, ability to camouflage, कॉमा, साइमल्टेनियसली मोर टारगेट्स, कैन बी अटैक्ड। ठीक है, एक और चीज़ है, इंडिया में क्या होता है कि हमारा जो मीडिया है वो इस चीज़ को भड़काने में बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, हाइपर मीडिया अटेंशन इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा, देखो जैसे वो 2008 में जो वो ताज होटल वाला जो अटैक हुआ था, उसमें वो हमारी मीडिया ने दिन रात लोगों के माइंड में एक फियर क्रिएट कर दिया था कि भाई साहब बाहर निकलना नहीं, ये मत करना, कोई पता नहीं है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ठीक है। दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स कि हमें जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे विक्टिमाइज हो रहे हैं, जो लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए। वो दे वर कॉन्टीन्यूसली अटैकिंग पाकिस्तान, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली क्रिएटिंग हेट्रेड कि अरे मरेंगे, सब मरेंगे, आ जाएगा वो घर पे घुस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इसी चीज़ में क्या हो गया कि हमारी कंट्री में इस चीज़ को हम क्या करते हैं, बड़ा हाइप क्रिएट कर देते हैं, समझ रहे। अब जैसे यूरोप में कोई अगर अटैक होता है तो वो लोगों को ना डराते नहीं है, वो बंदे 6-7 घंटे में उठा के ले जाएंगे, उसके बाद उसका क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं लगने देते वो लोग। यहाँ पे उसका एक हाइप क्रिएट करके डर पैदा करने वाली बात होती है। इंडिया एक तो अर्बन टेररिज्म का विक्टिमाइज है, दूसरा हाइपर मीडिया अटेंशन का हम विक्टिमाइज हैं, तीसरे हम विक्टिमाइज हैं वो हैं इंटरनेशनल टेररिज्म पे। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल टेररिज्म में हमारी कंट्री की टेरिटरी को यूज किया जाता है किसी और कंट्री के द्वारा किसी और कंट्री के बंदे को मारने के लिए, समझ रहे हो? नहीं समझे, अभी मैं बताता हूँ। ये क्या है, इंडिया, ओके। अब इंडिया में हर कंट्री का डिप्लोमेट बैठा है, हर कंट्री के एम्बेसी है, हर कंट्री के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंट्री है इसराइल और दूसरी तरफ कंट्री है ईरान। इंडिया की टर्म्स इसके साथ भी अच्छी हैं, इंडिया की टर्म्स इसके साथ भी अच्छी हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में टर्म्स अच्छी नहीं है, क्लियर। अभी क्या हुआ, 2011 में इसराइल के किसी एक डिप्लोमेट को किसी हिटमैन ने करोल बाग में उड़ा दिया, क्लियर। अब इसराइल का डिप्लोमेट मारा गया, बहुत बड़ी बात है, वो मार डालेंगे। इसराइल ने इंडिया को फ़ोन किया कि भैया पकड़ो बंदा, इंडिया वाले
करते हैं कुछ, रुक जाओ। पहले वाइफ को फ़ोन किया कि आज लगा लो तड़का, बढ़िया था, आ रहा हूँ मैं। वो बोला बंदा, कहते यार कल जाएगी ना आराम से, इनसे कुछ नहीं होगा। सीधा हाई अलार्म किसको गया, क्या ये कहाँ की, इज़राइल की, खूंखार डेडली पीपल। ये अगली फ्लाइट से पूरी फ्लाइट ही बुक कर ली इन्होंने, और उस पूरी की पूरी फ्लाइट में इन्हीं के एजेंट बैठे हुए थे। वो इंडिया में लैंड किए, सीधे करोलबाग, करोलबाग पूरा किया, और पता नहीं था लोगों को कि ये बैठे हुए, मतलब ये एजेंट हैं, ये कौन है, पता नहीं चल रहा। विद इन 6 hours जिसने उड़ाया था उसको उठाया, इसराइल लेके गए, उससे पूछा किसके कहने पे किया, उसने बोला ईरान के कहने पे किया। इन्होंने ईरान पे कुछ अटैक किया और इनको पता ही नहीं है। चैनी चैनी चैन से मजा लो। हाँ है ना, राइवल है ना इनकी, बड़ी ख़तरनाक, अभी आएगा आगे। किसकी, इसराइल और अरब कंट्रीज़ की थी। वो अब्राहम एकॉर्ड्स 2020 के तहत हो रहा है सब सही। तो ये अब इंडिया किसका विक्टिमाइज हो गया, क्योंकि इसकी टेरिटरी को यूज़ किया गया किसके द्वारा, इसको मारने के लिए। तो इंडिया इज़ ए विक्टिमाइज ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर है, ठीक है, लिखोगे लिखो। इंडिया इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। इसको इरेज कर दूं, ओके। इंडिया इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म विच सेज टू कंट्रीज अटैक ईच अदर by using territory of third country. अभी last year एक bomb blast हुआ था Delhi में, एक embassy के बाहर, नहीं पता, सुना था आपने? उसका investigation कहाँ पहुँचा पता है कुछ? नहीं पता, क्योंकि वो एक silent mode पे चल रहा है, क्योंकि embassy involved है। सेम केस इंडिया वाले, वो आए, उन्होंने पता किया, तीन लड़के हैं कारगिल के, ले भी गए उठा के, घर से ले गए, सोए हुए थे, सुबह आँख खुली तो वो पता नहीं कहाँ थे। अब पूछ रहे किसके कहने पे किया, अब क्या पता कि क्या हुआ। तो इस तरह से ऑपरेट करते हैं लोग, ये नहीं खाना है। हैं, कौन मना कर रहा है, नहीं है, पर हम लोगों को अपने मसले नहीं छोड़ते तो हम ये छोटे मोटे मसले कहाँ देखेंगे, समझ रहे हो? मतलब कि हमें अपने टेंशन नहीं हो, फैमिली मैन भी तो बनाना है। ऐसे कैसे होता है का? ओके, ये एग्जांपल ये दे देना इसराइल वाला, ठीक है, इसी में लिख देना खुद से ही, ठीक है। अब ये हो गया टेररिज्म की बात, ठीक है। अभी आजकल सबसे फेमस चल रहा है लोन वोल्फ अटैक, इंडिया उसका विक्टिमाइज अभी तक नहीं हुआ है मास लेवल पे, वो यूरोप में ही चलता है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया टू टैकल टेररिज्म, स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, आईबी और रॉ 1.34 बिलियन पीपल पे सर्वेलेंस करने का ठेका इनके सर पे है। आपको क्या लगता है, आपके व्हाट्सएप के मैसेज को रीड नहीं कर रहा है? पेगासस नहीं है, जरूरत ही नहीं है पेगासस की, वो तो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए है। तो जो लगता है हमारे फोन में भी होगा पेगासस इसराइल, NSO। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग हाई प्रोफाइल है उनका, हमारा क्या करेंगे वो पेगासस डाल दें। कुत्ते पूछे कहाँ पहुँचा, आ रहा हूँ 10 मिनट में, बस पहुँच गया, ये मैसेज पढ़ के वो क्या करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलर्ट जारी कर दिया कि भाई साहब कुछ गलत होने वाला है। उठाया बंदा किसको दे दिया, क्यों, क्योंकि ये कैसी बॉडी है, इन्वेस्टिगेशन,
पुलवामा अटैक, फेलियर ऑफ IBM रॉ, लेकिन अब अटैक हो चुका है तो क्या करवाना पड़ेगा? तो किसके पास गया केस? ठीक है, ओके, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ज्यूरिसडिक्शन किसकी होती है? स्टेट पुलिस की। इसमें होते हैं स्पेशली एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ठीक है, और STF, स्टेट टेररिस्ट फोर्सेस। नेविक, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नोकिया 1100 देखा है, उसमें GPS नहीं होता। आज भी वैसे फ़ोन बिकते हैं 800-800 के। जिस बंदे की जेब में तेरे को एक बड़ा फ़ोन और छोटा फ़ोन, तो बस सस्पिशन क्रिएट माइंड कर लेना और भाग जाना वहाँ से फटाफट। हाँ हाँ, मेरे पास भी है बैग में। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है हमारा टेररिज्म को टैकल करने का, ठीक है, ओके। जैसे वो एक DSP दविंदर सिंह पकड़ा गया था, है ना, तो उसको उठा के ले गए NIA वाले, तो अब आगे क्या हुआ उसका कोई पता नहीं है। तो कहते हैं कि पुलवामा अटैक से पहले काफ़ी अलर्ट्स जारी किए गए थे लोकल पुलिस के द्वारा, फ़ोन भी आए थे, लेकिन देर वॉज नो एक्शन। उस पिछले साल की 2021 की फ्रंट लाइन पढ़ना, मार्च या अप्रैल महीने की, इसी पे आई है, पुलवामा पे ही। उसमें पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इनसे गलती हुई थी। इसको लेकर अलर्ट जारी हुआ था, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, स्टेट टेररिज्म फोर्सेस, टेररिस्ट स्क्वाड। तुम कहाँ से आते हो? स्क्वाड, स्क्वाड, SQUAD, कहीं से भी आता, कहाँ से आता है? गांधीनगर से? ऐसे कहाँ से है? सब भद्रवाह से। ओके ओके, नेक्स्ट है मॉडल्स यूज्ड, ठीक है, टू टैकल द टेररिज्म। हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? पहला मॉडल है मलायन मॉडल। ये ब्रिटिश टाइम से यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि हम एक एरिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है, यहां पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, उस एरिया को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। उस एरिया को आइडेंटिफाई करके हम किसको दे देते हैं, आर्म्ड फोर्सेस। वो लोग क्या करते हैं, उस एरिया में सारा का सारा थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्लियर। उनको फुल कंट्रोल है कि तुम बस हमें गंदगी साफ करके दे दो। वो लोग क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद वो एरिया फिर से चला जाता है किसके पास, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास, मतलब लोकल MLA MPs के पास। वो लोग फिर क्या अनाउंस करते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये इनके पास जाएगा तो तबाही होगी, नुकसान होगा, अब उसको भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। तो जब न्यूट्रलाइज करने के बाद वो एरिया फिर से किसके पास जाएगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन ही होता है जो लोगों के साथ टच में रहता है, और वो जाकर जब अपना पूरा बताएगा कि भाई साहब अब यहाँ स्कूल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो लोग फिर टेररिज्म के पक्ष में नहीं आते। तो दिस वॉज द मॉडल सिंस ब्रिटिश टाइम वी वर यूजिंग, ओके। दिस मॉडल वॉज यूज इन कश्मीर ऑल्सो, दिस मॉडल वॉज यूज इन कश्मीर ऑल्सो। तू कहाँ से? तुम कहाँ से हो? तुम नहीं हो कहाँ से, अब तो हो ना, रामबन से। श्रीनगर में टेररिज्म 1970s के बाद फैला है, जब उनके साथ धोखा हुआ था, इलेक्शन रिग्ड, जो पता ही है,
डीप कॉन्स्पिरेसी है, क्या कर सकते हैं। मरता तो आम आदमी है, भले इधर से मरे उधर से मरे। फॉर एग्जांपल गालवन वैली क्लैश में कितने बंदे मरे थे? 20 है ना, 20 बंदे मरे थे। किसी दो बंदों का नाम बता दो। जो कर्नल मरा था उसका नाम क्या था? जो कर्नल मरा था गालवान में उसका नाम क्या था? उसका नाम पता है क्यों? क्योंकि वो ऑफिसर है, डेकोरेटेड ऑफिसर। लेकिन आम आदमी जो मरे हैं 20, उनका में से किसी को नहीं पता। किसी के बाप ने अपनी जमीन बेच के उसको भर्ती करवाया था, कोई अभी भी कर्ज में डूबा हुआ है, उनके बारे में किसी को नहीं पता। सो कॉमन पीपल हैज़ नो वैल्यू, वेदर इट इज इन यूनिफॉर्म और अगेंस्ट यूनिफॉर्म। अगर उनका भी कमांडर मरेगा तो उसका भी नाम आएगा। जैसे वो 2016 में जो हुआ था, क्या नाम था उसका? बुरहान वानी। हाँ, वो सब पूरा फेमस है। वो जो कल मरा उसका नाम नहीं पता, क्योंकि वो लोकल था, वो बेचारा परसों ही रिक्रूट हुआ, कल मर गया। नेक्स्ट है, लिखा आपने इट वॉज यूज इन कश्मीर। नेक्स्ट मॉडल है गुड ग्रीवेंस डिटेक्शन मॉडल। गुड ग्रीवेंस डिटेक्शन मॉडल। सिंपल लॉजिक, इसका क्या मतलब होता है? शिकायत, ठीक है, इसका मतलब ढूंढना। इसमें क्या होगा कि हमारी आईबी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो जाएगी। जैसे मान लो कि कोई एरिया डिस्प्यूटेड है, फॉर एग्जांपल कि मेरे कठुआ में एक एरिया जो है वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं एंटी नेशनल, क्लियर। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कोई एक नई फैमिली को हमने उनके बीच डाल दिया, रिलीजन मैटर नहीं करता, बस फैमिली डाल दी। अब वो बंदा है किसका? बेसिकली पूरी फैमिली किसकी है? आईबी की। वो गया वहाँ पे 2 साल के लिए, हमारे मेरी अभी पोस्टिंग हुई, डेपुटेशन पे आया हूँ मैं, तो एडजस्ट करो, लोग एडजस्ट करेंगे। फिर वो उनसे क्या करेगा? दोस्ती बनाएगा। दोस्ती के बाद उनकी क्या पूछेगा उनसे? शिकायतें। जब ये शिकायतें क्या हो जाएंगी? किसको बताएगा? और आईबी उसको क्या करेगी? सिंपल, ठीक है, लिखो। इन दिस मॉडल आईबी इज यूज्ड विच पेनिट्रेट्स इनटू different localities and societies and they live with the local people to identify their grievances and later on they have to be resolved by the authorities in order to prevent grievance to become a riot riot danga, theek hai।
नेक्स्ट मॉडल है प्रॉक्सी वॉर मॉडल. थर्ड मॉडल इज प्रॉक्सी वॉर मॉडल. प्रॉक्सी वॉर मॉडल, जैसा हम बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या खेलता है, प्रॉक्सी वॉरफेयर खेलता है. हम यही बोलते हैं कि वो अपने बंदे यहीं पे भेज देता है और ठीक है. तो ये मॉडल कौन यूज़ करता है हमारी कंट्री में? रॉ यूज़ करता है, हमें बस उनका दिखता है, हमारा थोड़ी ना दिखता है. तो अपने वाले भी ऐसा ही करते हैं, वहाँ पर जाएंगे को हल्ला गुल्ला करके आ जाएंगे. जैसे कहते हैं कि अभी जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है कौन है, अरे चचा केयर टेकर तो वही रहेगा. क्वालिटी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? पढ़ी है लेकिन बोलेगी नहीं. कौन? शहबाज शरीफ. बता तो रहा हूँ नाम. मेरी बात सुन लो, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे हम. तो कहते हैं कि इसको इंस्टॉल किया था, कहते हैं मैं मेरे को नहीं पता ठीक है. तो इसको इंस्टॉल किया था इसने ठीक है. और भी हम बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स वहाँ पे खेलते हैं, जैसे बलूचिस्तान में अभी मोदी मोदी बहुत हो रहा है. तो वो क्या है, वो पहन के उनका ड्रेस टोपी पहन के और वो हल्ला कर रहा है मोदी. वो आया कपड़ा उतारा फिर से फ्लाइट बैठा घर आ गया. मतलब इस तरह से है ठीक है. अभी एक बहुत हाई प्रोफाइल केस जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चलाया गया है, कुलभूषण जाधव वाला केस. सुन रहे हो ना उसके बारे में, कुलभूषण जाधव वाला केस ठीक है. वो कहते हैं कि एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर था जो कि ईरान में गया था, तो पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट किया हुआ है कि यहाँ पे आके स्पाइंग ये सब कर रहा है, तो उस पर केस लगाया हुआ है ठीक है. इसमें क्या होता है, प्रॉक्सी वॉर मॉडल में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली दूसरी कंट्री की या दूसरी टेरिटरी की क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो आज पाकिस्तान की हालत आपको पता ही है कि इकॉनमी वो बिल्कुल ही एकदम हालत ख़राब है. तो ये इतिहास गवाह है कि जब जब किसी भी टेरिटरी की इकॉनमी ख़त्म होती है तो देर इज या देर विल बी, वहाँ तो इमरजेंसी लग गई है ना. हाँ तो अब वहाँ रेवोल्यूशन होगा. जब भूखे पेट तुम वो करोगे, क्यूट इंडिया मूवमेंट क्या था, वो एक मोमेंट था जिसमें लोगों को पता चल गया था कि अब हमारा कुछ नहीं होना. डू और डाई, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट गिवन बाय दैट मैन हु वाज द ऑर्डेंट फिलोसोफर फॉर नॉन वायलेंस. आर यू गेटिंग इट? उसका फ्रस्ट्रेशन देखो उस बंदे का, कि 22 साल से वो एक लगातार एक झंडा लेके चल रहा था कि नॉन वायलेंस अहिंसा, मारना नहीं है, एक पे पड़ेगा दूसरा कर दो आगे. जब उसको पता चला कि पूरे शरीर पे थप्पड़ पड़ेंगे तो तब भी ये आज़ादी नहीं देंगे, तो अब करो या मरो, समझ रहे हो. और उसके बाद जाके वो खुद साबरमती आश्रम में बैठ गए, मुझे कुछ करो और मरो. ओके. एक जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, काफ़ी एंटी इंडिया लिखते थे. तो एक फ्लाइट थी PK-661, उसमें वो ट्रैवल कर रहे थे. वो चले गए, इस दुनिया में नहीं है. तो दिस इज ऑल डन बाय रॉ ठीक है. ISI भी कम नहीं है, बहुत डेंजरस एजेंसी है. ISI भी बहुत डेंजरस एजेंसी है ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेररिज्म. इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखना वो क्वेश्चन UPSC तभी पूछती है अगर कोई करंट में कुछ ऐसा बड़ा हुआ होगा ठीक है. तो उसमें वो क्वेश्चन आपसे पूछेगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं. तो आप एक बीइंग अ टेररिस्ट प्रोन स्टेट, हमें तो ज़्यादा ही नॉलेज है इसके बारे में. हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई अटैक हुआ ही है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि जो बचा हुआ हो ठीक है. तो हमें पता है कि हम लोग कैसे मतलब एंजॉय करते हैं इन सब मोमेंट्स को ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम.
नाउ सी हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. पहली चीज पे फोकस करो. व्हाट इज दिस? ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? वेल मैनर्ड, वेल प्लान्ड. ये क्या है? क्राइम. ठीक है, जैसे बाइक थेफ्ट के पीछे गैंग होता है, कोई एक बंदा नहीं होता. इट्स अ दूसरा आज यहां हुआ, कल जानीपुर होगा, परसों कहीं और होगा, तो जब पकड़ में आते हैं तो सारे वो भाई बंधु ही होते हैं आपस में. उसके बाद स्मगलिंग, यू कैन से दैट. क्यों नहीं बताता हूं, क्यों नहीं आएगा? गुड क्वेश्चन, अभी आएगा डिफरेंस की ऑर्गेनाइज क्राइम में और टेररिज्म. क्राइम कहाँ होता है? जो लोकल लेवल पे होता है. टेररिज्म को आप डिनोट नहीं कर सकते कि वो कहाँ होगा, कब होगा. यू कैन डिकोड दिस थिंग बट यू कांट डिकोड टेररिज्म. यू कैन किल द टेररिस्ट स्ट्रक्चर बट यू कांट किल द आइडियोलॉजी. हेयर इट इज नॉट एन आइडियोलॉजी, इट इज जस्ट अ क्राइम सिंडिकेट. दे आर जस्ट ऑपरेटिंग फॉर द क्राइम. उनको बस चोरी करने से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं कि हमने कोई अपना झंडा लगाना है. Are you getting it? So that is called as organized crime. ठीक है, so write down. When two or more people organize a structure to do illegal activities. To accumulate wealth, illegal wealth. So this is called as organized crime. ठीक है, इसके पीछे मोटिव देखो, दो मोटिव है. क्या मोटिव है? एक तो illegal wealth, दूसरा इलीगल एक्टिविटी. ठीक है, ठीक है. तो ये अगर किसी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के तहत हो रहा हो तो तब आपको पता चलता है कि इट इज एन ऑर्गेनाइज क्राइम. अभी वो एक मूवी आई है साउथ की, वल्ली में ही, सुना उसके बारे में आपने? उसमें दिखाया है इस ऑर्गेनाइज क्राइम को. उसमें क्या होता है? एक गैंग होता है, बाइक गैंग. ठीक है, उसका एक लीडर है. वो उनको एक बस ऑप्शन देता है कि आपको क्या करनी है, चेन स्नैचिंग. वो सारा चेन स्नैचिंग करके उस गोल्ड को पिघलाकर वो गोल्ड के क्या बनाते थे? बार. ठीक है, उन बार्स को वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में क्या करते थे? सेल करके जो पैसा आता था उससे वो लोग क्या खरीदते थे? और बिटकॉइन कहाँ चलती है? डार्क वेब पे. क्या चलती है? बिटकॉइन. वो लोग बिटकॉइन से डार्क वेब में घुस के वहां पे पैसा देकर क्या करवाते थे फिर? मर्डर्स. और ये चेन स्नैचिंग जिस पे करते थे वो सारी की सारी बाइक्स कैसी होती थी? चोरी की. और उस बाइक से वो चेन स्नैचिंग करके ये काम करके मर्डर करवाते थे उस बंदे का जो क्या करवा रहा होता था इंडिया में स्मगलिंग. किसकी? ड्रग्स की. और वो खुद क्या खरीदते थे उनसे? उनको मार के क्या लेते थे उनसे? तो देखो ये सारी चीजें इसमें इंटरकनेक्टेड है. टैंक भी मिलता है, मैंने ऑपरेट किया था एक बार उसके. मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने वो गुलाब खरीदना था किसी के लिए, रशिया का गुलाब कहते हैं, अच्छा होता है. ठीक है, अब समझ आया मेरा पॉइंट? समझ आ गया. तो इस मूवी में अच्छे से दिखाया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे काम करता है. ठीक है, चोरी की बाइक्स होंगी, काम कैसा करेंगे? चोरी का. फिर उस चोरी के पैसे से वो बिटकॉइन खरीदेंगे, मर्डर करेंगे उन लोगों का जो स्मगल कर रहे हैं ड्रग्स को, और उन ड्रग्स को बेचेंगे किनको? जो बाइक्स चला रहे हैं. उन लड़कों को बेचेंगे जो बाइक्स चला रहे हैं. फिर अगली बार उसको बोलेंगे तेरे को ड्रग्स तभी देंगे जब तू क्या करके आएगा. समझ रहे हो कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं? इसको बोलते हैं इट्स अ स्ट्रक्चर. इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है. दे डोंट वॉन्ट टू एस्टेब्लिश समथिंग कि भैया हमें कानून के खिलाफ जाना, हमें वो बस कानून के रह के काम करते हैं, जो आएगा वो मार डालना. ठीक है, लिखो.
इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्मगलिंग स्टार्टेड फ्रॉम पोर्ट सिटीज ऑफ इंडिया. स्मगलिंग स्टार्टेड फ्रॉम पोर्ट सिटीज ऑफ इंडिया. लाइक बॉम्बे एंड कोलकाता. एंड इन यूपी बिकॉज ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर. ठीक है, स्मगलिंग. देन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग स्टार्टेड बाय अबू सलेम. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग स्टार्टेड बाय अबू सलेम इन विच बॉलीवुड वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व. सलेम, बॉलीवुड वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व. बॉलीवुड, फिल्म बॉलीवुड, संजय दत्त ऑल्सो इन्वॉल्व. कॉन्स्पिरेसी नहीं है ये, एस्टेब्लिश फैक्ट है. जेल भी हो रखी है उन लोगों को. तुम्हें क्या लगता है? ऐसे ही हो रहा है. नेक्स्ट है द फेमस नेम दाऊद. दाऊद इब्राहिम, क्या किया था उसने? क्या दाऊद इब्राहिम का राइज होता है बेसिकली आफ्टर द बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट. ठीक है, तब तक वो एक बिजनेसमैन था. उसके बाद उसने उसी पैसे को यूज़ करके एक रिवेंज पॉलिसी अपनाई कि यार ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है, सो दाऊद इब्राहिम यूज्ड मनी फॉर टेररिज्म विच वॉज अ यूनिक कंसेप्ट एट दैट टाइम. Why यूनिक? क्योंकि उससे पहले टेररिज्म बाहर से आ रहा था. अब ये बंदा पैसा देके टेररिज्म को खड़ा कर रहा है, और टेररिज्म को हमने देखा कि एक आइडियोलॉजिकल परस्पेक्टिव होता है. इसने उस टेररिज्म को खड़ा किया जस्ट फॉर द रिवेंज ऑफ द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन. क्लियर? फैक्टर्स वर रिवेंज. फैक्टर्स वर रिवेंज, बिकॉज ऑफ डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद. And it led to 1993 serial blast in Mumbai. 1993 serial blast in Mumbai. क्या था? मैं बोला तो कि वो पहले वो इलीगल काम कर, स्मगलिंग का धंधा करता था. मूवी नहीं देखी वंस अपॉन टाइम इन मुंबई? और उसमें जो इमरान हाशमी, वो कौन है? दाऊद इब्राहिम है. क्या कौन सी मूवी में? सर, जो सबसे पहला वो हुआ है सर, हमारे इंडिया में इनकाउंटर. अच्छा, पता नहीं यार, सबसे पहला इनकाउंटर. नेक्स्ट लिखो आफ्ताब बंसारी. आफ्ताब बंसारी, BANSARI. ही वॉज द ड्रग लॉर्ड ऑफ अफगानिस्तान. ही वॉज द ड्रग लॉर्ड ऑफ अफगानिस्तान हु फाइनेंस्ड 9/11 अटैक्स. हु फाइनेंस्ड
9/11 अटैक्स विद द ब्रेन ऑफ बिन लादेन, विद द ब्रेन ऑफ बिन लादेन। बोल, इस पर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी? देखा कि लादेन अभी जिंदा है, उसको अमेरिका ले गया उठा के, यही बोलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इल्यूजन की दुनिया से बाहर आओ। अगर वो जिंदा भी है, तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है? तुम्हारे काम का तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर वो डेड है, अलाइव है, हमें क्या लेना देना? अनटिल एंड अनलेस वो कोई नया काम कांड ना करे, तब तक के लिए जो हो चुका है वो आपके लिए एक सेट प्रेसिडेंट है। आपको उसको उसी संदर्भ में पढ़ना है। डोंट यूज योर एक्स्ट्रा पावर थिंकिंग इन मामलों में मत लगाओ, थिंकिंग किसी और मामले में लगाओ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ी मजेदार लगती है। तू इल्यूमिनाटी तक भी पहुंच गया, देखा? रॉकफेलर किसी काम के नहीं है। मैंने 6 साल बर्बाद किए इसके पीछे। मैं इंडिया में नाम तक ले सकता हूँ कि कौन बंदा किस में, लेकिन फायदा क्या है उसका यार? व्हाट्स द बेनिफिट फॉर मी? नथिंग, यूजलेस है। इफ दे आर रनिंग द शो, दे विल रन द शो। मैं कुछ नहीं हूं उनके आगे। और इन इस सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मकसद ही यही है कि तुम लोगों को एक गलत डायरेक्शन में डालना, भले वो मैं हूं, भले वो तुम हो। अगर मैं इसमें ज्यादा डीपली चला जाता तो मैं डेफिनेटली कोई एक ऐसा एक्ट करता जो कि एंटी सोसाइटी था, डेफिनेटली करता मैं, क्योंकि मुझे लगता कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। कुछ लोग ऊपर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, तो चलो उनके खिलाफ बगावत हम नहीं कर सकते। वो आज से नहीं, वो सदियों से कंट्रोल कर रहे हैं। इफ दे आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, तो हु आर यू? नॉट इवन ए फुल फ्लेज सिटीजन। यू कांट इवन डिफाइन और प्रोटेक्ट योर राइट्स। तुम्हें कोई पुलिस वाला के थप्पड़ मार के चला जाएगा तो तू क्या बोलेगा कि मेरे पास वो आर्टिकल 21 में तो जान दे, घसीटूंगा? किसको घसीटेगा? वही तो है अथॉरिटी, वही है, उसके स्टार लगा है, वो उल्टा लटका देगा। फायदा इल्यूमिनाटी थोड़ी आएगा बचाने। इसलिए इन सब चीज़ों से जितनी जल्दी हो सकता है ना अपने आप को ड्रैग कर ले। अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तू बैठा है, जहाँ मैं 6 साल पहले मैं भी ऐसी ऐसी बातें करता था कि घूम रहा है वो, सब ऊपर बैठा है, फायदा नहीं है। जो हो रहा है एज इट इज डो, एंजॉय करो बस लाइफ को, ठीक है? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया, फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी। सिंपल लॉजिक, अगर इसके आप लीडर को मार भी दोगे तो आप चोरी को नहीं रोक सकते, आप डकैती को नहीं रोक सकते, आप स्मगलिंग को नहीं रोक सकते। सिंपल लॉजिक, सिंपल एग्जांपल, KGF देखी, रॉकी भाई गरुड़ा को मार के क्या उसने KGF बंद कर दिया? नहीं कर दिया। क्यों? ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल द पावर। अब KGF 2 आ रही है ना? यही है ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है। इनमें टसल आपस में लगा रहता है कि कौन बैठेगा, कौन ज्यादा कमाएगा। लिखो, इवन इफ द हेड ऑफ द सेक्टर किल्ड कॉमा कॉट और प्रिजंड, कॉट मतलब पकड़ा गया या प्रिजंड, ठीक है, किल्ड कॉट और प्रिजंड, the crime syndicate will work in continuity. ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइडिक स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, फ्लूइडिक स्ट्रक्चर। It is like amoeba. It is like
अमीबा, विच मीन्स वी कैन फाइंड द, वी कैन फाइंड द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. एग्जाम्पल कार थेफ्ट, बाइक थेफ्ट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल थेफ्ट, किसी का फोन चोरी हो जाता तो कभी नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? क्या पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर सकती? रमन बल्ले के बेटे का फोन चोरी हुआ था, विद इन 2 आवर्स पता चल गया था फोन कहाँ पे, उठा के ले आए, लेकिन हमारा नहीं कर सकते क्योंकि पैसा तो उनको भी आएगा ना, समझ रहे हो? इसलिए फोन को बचा के रखना है. थर्ड पॉइंट, मेंबरशिप. इट्स मेंबरशिप बेस्ड ऑन कॉमनैलिटी ऑफ कास्ट ऑब्लिक विलेज, समटाइम्स रिलीजन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. समटाइम्स रिलीजन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, ठीक है. अब लिखो डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म. इनका सबसे पहला मोटिव क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? सिंपल, प्रॉफिट. ठीक है, सबसे बड़ा मोटिव प्रॉफिट. इसका क्या है? अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना. अगर वो पीसफुली कोई नहीं सुन रहा तो धमाका करके सुनाओ, ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्क्स इन अ पर्टिकुलर नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, पुलिस एंड क्रिमिनल्स, ठीक है. इट्स अ नेक्सस. ये उनका एक स्ट्रक्चर होता है कि जिसके तहत वो काम करते हैं, ठीक है. ये लोग कोई नेक्सस नहीं होता इनका, नो नेक्सस. ये लोग अकेले काम करते हैं, ठीक है. थर्ड पॉइंट, ये लोग खुद से कभी भी मीडिया अटेंशन नहीं चाहते. ये लोग कभी कैमरा लेकर नहीं चोरी करते हैं, पकड़े जाएंगे ना, ठीक है. लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि मीडिया अटेंशन हमें मिले. क्यों मिले? क्योंकि इनकी क्या प्रमोट होगी? अब समझ आया ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में डिफरेंस? क्लियर हो गया? पक्का? एग्जैक्टली यही पूछा जाएगा पेपर में आपसे. अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो यही वो पूछ सकता है, ठीक है. मे बी पूछ सकता है, तो तभी आप लिखोगे कि एक्चुअली आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. देखो मेरी बात सुनो, जब तक आप यूपीएससी के लिए प्री में बैठोगे या मेंस में बैठोगे ना, तब तक आपके पास कंटेंट काफ़ी होगा. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि पूछ क्या रहा है और हमें बोलना क्या है. पता सब कुछ होता है, जनरल थोड़ी थोड़ी बात सबको पता होती है, लेकिन प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंट करना, वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? टेररिज्म को तो हमने UAPA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इन सब चीज़ों के तहत इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, कर रहे हैं, ठीक है. बहुत सारी एजेंसीज भी हमने बना रखी हैं, बट यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जा रही है, दैट इज़ क्राइम. और क्राइम बेसिकली किसका इशू है? लॉ एंड ऑर्डर का. और लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? मतलब कौन काम करेगा इस पर?
पुलिस काम करेगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अब अगर कार थेफ्ट हो रहे हैं या बाइक थेफ्ट हो रहे हैं तो हम NIE को थोड़ी ना बोलेंगे कि आगे भाई गाड़ी ढूंढ के दे, वो तो पुलिस ही ढूंढेगी ना। अब इसमें क्या होता है कि ये कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो कि एक तो मास लेवल पे हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ ये इतने गंदे तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें क्या है, नेक्सस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज और पुलिस सब इसमें मिले हुए हैं, सबके सब चोर हैं, ठीक है। ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में पुलिस के पास जो पावर्स हैं उनको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, थोड़ी सी पावर को बढ़ा दिया जाए उनको, ताकि वो और फ्रीली काम कर सकें। ऐसे में एक एक्ट पास किया गया था, MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम कि उठा लिया, इसमें सारे के सारे ऑफेंस जो इसमें डिक्लेयर किए गए हैं वो सारे कॉग्निजेबल हैं, बेल नहीं मिलती, ठीक है, जब तक पुलिस अच्छे से उसकी जांच पड़ताल नहीं कर लेती। जब दाऊद इब्राहिम और ये सब फैले थे मुंबई में, तो मुंबई में बहुत बड़ा दहशत का माहौल हो गया था, ठीक है। उसके बाद जब इस एक्ट को लाया तो पुलिस को फ्री पावर मिल गई काम करने की, कोई मंत्री वंत्री इनके आगे नहीं आता था, इन्होंने फिर सारा सफाया मुंबई का कर दिया, अच्छे से कर दिया, ठीक है। और एक IPS ऑफिसर थे, उनका नाम बहुत सामने आता है, उन्होंने तो अच्छा खासा इनका धोया था इनको। तो संजीव भट्ट की बात कर रहा है? नहीं, वो गुजरात की बात। ओके, MCOCA एक्ट जो है, इसको यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जब पढ़ा, इसको देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने तो क्राइम को ख़त्म ही कर दिया अच्छे से। अब मुंबई आज तो आज के टाइम में मुंबई में कुछ नहीं सुनते ऐसा, ठीक है, कोई डकैती, कोई ऑनर किलिंग या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। इस एक्ट को यूनियन मिनिस्ट्री ने फिर क्या किया, दिल्ली में भी लागू कर दिया, सेम इसी एक्ट को कहाँ लागू कर दिया, दिल्ली में भी एक्सटेंड कर दिया, और यूनियन होम मिनिस्ट्री इसको अदर स्टेट्स में भी लागू कर सकती है, और यही इकलौती इंडिया में लेजिस्लेशन या लॉ है जो किस पे काम करता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, ठीक है, समझ आया। वैसे हमारे पास IPC है, इंडियन पिनल कोड, CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो बहुत सारे क्राइम्स के लिए हम यूज करते हैं, लाइक मर्डर, थेफ्ट, रेप, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज कॉमन है, दैट इज उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स चाहिए, और वो हम किसके रूप में देते हैं अपनी पुलिस को, MCOCA, क्लियर, ठीक है। और इसी एक्ट को हमने दिल्ली में भी लागू कर रखा है, अभी दो स्टेट्स हैं, एक केरला है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका, ये लोग भी ऐसा ही कुछ एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, अभी लाया नहीं है। UP ने भी सोचा था ऐसा एक्ट लाने की, ठीक है, तो पहले जब मायावती की गवर्नमेंट थी तब उसने भी ये एक्ट ऐसा लाया था, लेकिन उस टाइम प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उसको असेंट नहीं दिया था, और वो बिल ही रह गया, एक्ट नहीं बना, क्लियर, बात समझ आ गई। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, इसमें लिखो, दिस एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अदर स्टेट्स, as majority of states don't have specific legislation for organized crime, as majority of states don't have specific legislation for organized crime, There is no bail under MCOCA. Even
इवन सम स्टेट्स ऑल्सो क्रिएटेड स्पेशलाइज्ड पुलिस टू कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ठीक है, जैसे एग्जांपल है, दिल्ली में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली पुलिस का. क्या है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग. जितने भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड जितना भी फ्रॉड होता है, ये कौन इन्वेस्टिगेट करता है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग. इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इंक्वायर केसेस अबाउट economy of organized sector. They inquire cases related to economy of organized sector. ठीक है, okay. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म. ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम में जैसे ड्रग्स का केस हम लें, तो ड्रग्स को चैनलाइज कैसे किया जाता है? बाय डिगिंग अप टनल्स. ठीक है, पंजाब में जैसे ड्रग्स को सप्लाई कैसे किया जाता है? टनल्स के द्वारा कबूतर भेजे जाते हैं. ठीक है, ड्रोन्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है. हमारे स्टेट में ड्रोन्स के द्वारा आर्म्स, गन्स वगैरह सप्लाई की जाती हैं, वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं. या फिर उन्होंने एक ऐसी बफर जोन ढूंढ के रखा है, दैट इज़ हिमाचल. ठीक है, वहाँ जाते हैं नेपाल के बॉर्डर से हिमाचल में और हिमाचल से पंजाब में. और आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्रीज़ या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा हिमाचल में. ठीक है, अभी रिसेंटली उधमपुर में वो कफ सिरप पीने से काफ़ी बच्चों की मौत हो गई थी. सुना था आपने? नहीं सुना? 2-3 साल पहले की बात है. उधमपुर में एक कफ सिरप रिकमेंड किया गया था एक डॉक्टर के द्वारा. जिसको वो कफ सिरप रिकमेंड किया गया था, उस बच्चे की मौत हो गई. और जब पता चला, एनालाइज किया, तो तब पता चला कि उस कफ सिरप में एक पॉइजन था. कैन यू थिंक अबाउट दैट? कि मतलब, और अभी तक उस केस पे मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है. कितना खतरनाक सिंडिकेट है ये. ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. ब्रेक लेंगे 2 मिनट की. हाँ, कोई बात. है ना, IT एक्ट सेक्शन 66A.
चल वी स्टार्ट। ओके आज के टाइम का सबसे खतरनाक है ट्रेंडिंग। हाँ सही बात है कि आज के टाइम का सबसे मतलब बोल सकते हैं ना कि एकदम इजी और नुकसान ज़्यादा होने वाला। ठीक है एंशिएंट एरा में हम लोग लड़ते थे किसके लिए? टेरिटरी के लिए। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले जो वैदिक सोसाइटी जो वैदिक पीपल थे वो किसके लिए लड़ते थे? काउस के लिए। तब तक टेरिटरी का कोई भी मतलब नहीं होता था। लेकिन जब 16 महाजनपदस की बात की जाती है मगध अवंती कौशाला है ना उसमें बात की जाती किसकी? क्योंकि उस टाइम तक काऊ शव का रिवाज ख़त्म हो गया था मतलब रिवाज इन द सेंस कि उस टाइम तक अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है और काऊज इतनी हो चुकी थी कि सबसिस्टेंस इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर चुके थे तब इन लोगों का फोकस किस पे गया? टेरिटरी पे। अब उसके लिए टेरिटरी एक्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉर। अश्वमेध सैक्रीफाइस के बारे में सुना ही होगा क्या था अश्वमेध? क्या था जोर से बोलो यज्ञ। हाँ क्या था उसमें? उस पर एक मैसेज लिखा होता था कि ये इस राजा का घोड़ा है तो भाई साहब चुप करके अपने हथियार डाल दो और इसको मूव करने दो नहीं तो मेरे से लड़ लो। ठीक है तो वही वॉर किससे लड़ी जाती थी? ठीक है देन मिडिवल टाइम में किसका इस्तेमाल हुआ? कैनन। डिस्टेंस बढ़ गया इसके लिए आपको बिल्कुल पास जाना पड़ेगा। ठीक है ये चीज़ें भी थी लेकिन ये भी बीच में एक एड ऑन हो गया दूर से धमाका कर दिया मुगले आज़म बाहुबली है ना ज़्यादा नहीं उसमें बाकी सब फिलोसफी है। देन मॉडर्न। मॉडर्न टाइम में क्या हुआ? आम ठीक है बंदूकें वो तो चलता तो मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे पहली एग्जांपल थी वर्ल्ड वॉर वन। ये किस लिए की गई थी? जस्ट टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ एयरप्लेन्स कि ये कितनी तबाही कर सकते हैं। ठीक है अब जब एयरप्लेन बाकी कंट्रीज ने भी ले लिए उनके पास भी आ गया फिर उन्होंने कुछ नया करना था ड्रामा तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। इसके टाइम पे एटॉमिक बॉम्ब्स। ठीक है कौन पहले कर लेगा? उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या स्टार्ट हुआ? कोल्ड वॉर में सबको पता था कि एटॉमिक बॉम्ब्स या न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी स्टेट्स के पास आ चुके हैं। ठीक है फिर उन्होंने क्या स्पेस रेस शुरू कर दिया। कोई बोल रहा है मेरा बंदा पहले गया कोई कह रहा है मैं चांद पे गया कोई कह रहा है कुछ कोई कह रहा है कुछ तो बाकी भी चल पड़े समझ रहे हो। ठीक है तो कोल्ड वॉर में देर वॉज ऑलवेज अ थ्रेट फॉर न्यूक्लियर अटैक ऑलवेज थ्रेट। टूडे इटसेल्फ रशिया यूक्रेन में भी थ्रेट चल रहा है अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी थ्रेट है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी थ्रेट है यूएस चाइना के बीच में भी थ्रेट है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सुना ही होगा 5000 किलोमीटर से आगे की रेंज है उसकी धमाका कर सकता है वो है ना। लेकिन
इस अटैक को होने से हम लोग क्या करते हैं, रोक लेते हैं। हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के तहत हम इस चीज़ को रोक लेते हैं कि यार ऐसा मत करो, तबाही सिर्फ आपके वहाँ नहीं हमारे यहाँ भी होगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। क्लियर? अब ये जो स्ट्रक्चर था वॉरफेयर का, इसमें डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, आर्म्स है, एम्यूनिशन है, एक फिजिकल थिंग आपको दिख रही है जिसके तहत आप उस चीज़ को रोक भी सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एरोप्लेन आता दिख रहा है तो आप उसको मिसाइल मार के उड़ा सकते हो, सिंपल लॉजिक, ठीक है। न्यूक्लियर अटैक में अगर वो कंट्री आप पे अटैक करेगी तो आप भी कोई ना कोई अटैक उस पर करोगे। बट आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में साइबर अटैक्स पे आप क्या करोगे? एंटीवायरस, कैस्परस्काई, फिर भी वायरस है। साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे इतना अच्छा वॉरफेयर है कि आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया, भेज दिया, उसका कंप्यूटर क्रैश और आपको मजे ही मजे। सुना अभी पिछले साल मुंबई में, मुंबई की ग्रिड पे अटैक हुआ, 6 घंटे तक बिजली नहीं आई, कहते हैं चाइना ने किया है, पता नहीं है किसने डाला। अमेरिका में था, हैक कर लिया। इसीलिए अभी 2011 में हमारी भी एक मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो थी वो हैक हुई और उस पर एक पाकिस्तान का फ्लैग सामने शो हो रहा था, ठीक है। इंडिया को लगा कि पाकिस्तान से हुआ है अटैक, बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया तो बरेली यूपी मतलब ठीक है, आती है उसको हैकिंग, यार क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो इस साइबर वॉरफेयर में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो चुकी है आज के टाइम पे? साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे फोन्स को लेकर पेगासस सबसे बड़ा एग्जांपल, तो इस पे क्वेश्चन बनता है, मेंस में नहीं तो प्री में बनेगा। पेगासस साइबर सिक्योरिटी का मसला है, ठीक है। पेगासस एंटर कैसे करता है आपके फ़ोन में, पता है कुछ? वो कहाँ की थी लेडी? सऊदी अरब, जर्नलिस्ट थी वो। समझ ना, क्या समझ में नहीं आया? पेगासस आपको व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल देगा, बस जैसे वो मिस कॉल आई तो एंटर कर जाएगा आपके फ़ोन में, फिर आपका मोबाइल सॉरी कैमरा, फ्रंट कैमरा, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ हैक्ड है, पर्सनल मैसेज सब कुछ। इसमें सबसे बड़ा इशू क्या था? आईफोन का। आईफोन बोलता है कि मेरे में कोई भी बाहर का बंदा नहीं घुस सकता। राहुल गांधी के पास भी आईफोन है वैसे, उसकी जासूसी करके क्या करेंगे लगता है कि वो किस रिकॉर्ड हो रहा है, खैर मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट नहीं मुझे वो बंदा अच्छा लगता है। क्यों? नो मैं किसी पार्टी वार्टी के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ, बट पर्सनली वाई? क्योंकि वो बंदा इम्प्रूव कर रहा है। 2013-14 में जब उसको उन्होंने लॉन्च किया था कांग्रेस ने राहुल गांधी को, एट दैट टाइम ही वॉज टोटली बच्चा, लाइक ए चाइल्ड, इसको हम वो छोटा बीन भी बोलते हैं। उसके बाद उस बंदे को जब किसी ने सुना नहीं, किसी ने समझा नहीं, समझना क्या था, समझ ही नहीं आता था, कुछ भी बोलता था। आफ्टर दैट वो एक अपने गुरु के पास गया, जो गांधी फैमिली का एक स्पिरिचुअल गुरु था ना, उसके पास गया। उसने उसको बोला कि तेरे लिए सबसे बड़ा जो सार है, मतलब एक क्रक्स है, दैट इज वेदास, गो एंड रीड द वेदास। ही टुक द लीव और उसने वेदास पढ़े, सारे वेदास का अध्ययन किया उस बंदे ने, लिटरली कैन यू इमेजिन, 2 साल लगाए उस बंदे ने वेदास को समझने में। उसके बाद की उसकी स्पीचेस सुनो पार्लियामेंट में, उसके बाद आके उसने एक ह्यूमैनिटेरियन टच देने की कोशिश की, मोदी को जाके गले लगा लिया शरेआम, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया।
उड़ाया, सब ने उड़ाया कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जो पार्टी है ना, जो पावर में है, दे डोंट रिस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यूज। उसको ये बात समझ आ गई, उसने ये एक्ट इसीलिए किया था कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनका रिएक्शन कैसा है। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, उसको समझ आ गया कि ये लोग मेरे मुकाबले के नहीं हैं। फिर उसको एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे उसको अपनी एक पॉपुलैरिटी करनी थी, मतलब कि अपने आप को दिखाना था कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी बातें भी समझ में किसको आ रही हैं। उसने नॉर्थ में समझने की कोशिश की, किसी ने नहीं समझी। देन ही वेंट फ्रॉम अमेठी टू, 2019 का इलेक्शन उसने कहाँ से लड़ा? वायनाड, केरला। अमेठी से भी लड़ा और वायनाड से भी लड़ा। अमेठी से वो क्या कर गया? हार गया। वहाँ से कौन जीता? स्मृति जुबीन ईरानी। वायनाड से वो इलेक्शन ह्यूज मार्जिन के साथ जीता। और जब से वो वायनाड से इलेक्शन लड़ा ना, तब से वो कॉमन पीपल की बात करने लग गया। अब उस बंदे की केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन स्टेट्स में उसकी पॉपुलैरिटी देखो, बहुत पॉपुलर है वो, क्योंकि वो लोग उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर एजुकेशन के तहत काम करते हैं। खास बात, मैं किसी को, मैं वो नहीं कर रहा, मतलब मैं आप लोगों को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सेइंग कि वो लोग रैशनल लोग हैं, साउथ के जो लोग हैं वो रैशनल हैं, इसीलिए उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। सिंपल लॉजिक है, हुआ ना, हमारी गवर्नमेंट ने बोला ना कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करो तो ही तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, उन बेचारों ने कर लिया, हमारे वाले लगे हुए हैं, टेंशन ही कोई नहीं है, घर की खेती है, अभी भी लगे हुए हैं। 24 करोड़ पॉपुलेशन यूपी की लगे हुए हैं। क्यों है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए है। एक तो केरला को रूल किया है बड़े, केरला में, केरला 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 के बाद मिजोरम, क्योंकि केरला में मैक्सिमम टाइम के लिए रूल किया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, और उनका एक ही एजेंडा होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस लोगों का डेवलपमेंट चाहिए। समझ आ रहा है? तो अब उस ऐसे बंदे के फ़ोन में पैकेजेस, गलत बात है, ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स आर वेरी वेरियस, ठीक है, पता नहीं है कैसे कैसे हो जाएंगे, रैंसमवेयर, मालवेयर, ये वेयर, वो वेयर, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा, एक दो पॉइंट, ये आपने लिख लिया, इसको इरेज कर दूं? लिखो, सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर Since the end of Cold War, there were IT revolution all over the world. Which made the people to come in contact with other people and ultimately they shaped private sector economies. They shaped private sector economies worldwide. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, उसके बाद जैसे विंडोज़ आया था, विंडोज़ लॉन्च किया था बिल गेट्स ने 1990s में, ठीक है। दिस रेवोल्यूशन, दिस कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन
गेव थ्रस्ट टू डिजिटलाइजेशन एंड ई गवर्नेंस by which government sector also came in touch with IT. Example, taxation in India is done electronically. ठीक है, हम लोग ITR फाइल करते हैं, आपको पता ही है, अब तो सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है, पेमेंट्स भी ऑनलाइन हो रही हैं. सो देर इज़ ऑलवेज अ लूमिंग थ्रेट टू अवर साइबर क्रेडेंशियल्स. ठीक है, साइबर प्राइवेसी, साइबर क्रेडेंशियल्स, हमें कहीं भी कोई भी लूट सकता है. जैसे फ़ोन आता है, सर आपके ATM अकाउंट में ये हो गया है, प्लीज़ गिव अस योर डिटेल्स, और बंदा फटाफट से हाँ हाँ कर दो, फिर फटाक से मैसेज आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड विद 10,000. मुझे एक दिन उसने फ़ोन किया, आज से 4 साल पहले. बहुत कुछ आता है, नए नए तरीके ढूंढते हैं वो. मुझे फ़ोन करके बोल रहा है आपका ना वो जी वो निकला है लकी वॉचर, आपकी टाटा सफारी निकली है. मैंने कहा वेरी गुड. कहता आप अपने अकाउंट की डिटेल दो. मैंने कहा ले ले. उसने जैसे डेबिट मारा उसमें 2 रुपये थे, वो कट गए. फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मिल गए. कह रहा सॉरी सर मेरे पास वापस भेजने का तरीका नहीं, नहीं तो मैं भेज देता. इसके बारे में पढ़ना घर जाके जमता रहा. इसलिए अकाउंट में पैसे रखने नहीं है, कैश, ब्लैक मनी. ठीक है, चचा का क्या पता कब बैन कर दे फिर से करेंसी.